खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। मुरादाबाद में है, यानी कि पीतल की नगरी में। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पोखरियाल है और आप जनतंत्र टीवी देख रहे हैं। जनतंत्र टीवी की खास पेशकश, जिसमें हमने छोटे उद्योग और इकोनॉमी को लेकर अपनी आवाज शुरुआत से ही उठाई है। जगह जगह जाकर हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में, जिसको लेकर सेंटर और स्टेट की सरकार ने शुरुआत से ही बड़े अहम कदम उठाए, अपनी पॉलिसीज को अपफ्रंट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बड़ा दावा किया है, उसको लेकर हमने शुरुआत से अपने चैनल के एक मुहिम चलाई है। इसी के तहत आज हम मुरादाबाद में आए हैं, यहाँ की पीतल इंडस्ट्री के बारे में जानने में आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि जी, कितने सालों से आपकी फैक्ट्री चल रही है यहाँ? मैम, ये सेंचुरी, आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट 45 इयर्स ओल्ड फैक्ट्री है, और हमारी हर डेनिस्ट्री टू डेनिस्ट्री हैंड चेंज हुए हैं। सो दिस इज माइन इज द थर्ड जनरेशन जो हम ये इस काम को देख रहे हैं। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये पहला, ये क्या है एरिया, और इसमें जो पीतल का जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम कैसे होता है, किस तरह से आप इतने सालों से इस लेगेसी को आगे मेंटेन करते हैं? तो इवेंचुअली वो ब्रास का जो फेम था वो खत्म होता जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर कहीं काम अगर है भी ब्रास का, तो वो लोकल मार्केट का है, बट इवेंचुअली वो भी डल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड फ्लड्स एंड अदर थिंग्स व्हिच इज नेचुरली ये डिजास्टर कर रही है हमारी इंडस्ट्री को। कोरोना काल के अंदर हमारे बिजनेस पर काफी फर्क पड़ा है, लगभग ही समझ लीजिए 70% काम कम हो गया है। और ये जो सरकार की पॉलिसी है कि व्यापारियों के लिए कुछ करना, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, केवल उन्होंने लोन देने का काम करा है। तो लोन देने से व्यापारियों को कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा उन पर और बोझ बढ़ेगा। सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये जो जगह है जहाँ आपने बताया कि ये रॉ मटेरियल है, इस सबसे पहला स्टेप क्या है? हमारे पास जो आता है वो एक फिनिश प्रोडक्ट आता है, पॉलिश प्रोडक्ट आता है, तो कौन कौन से ऐसी स्टेप्स हैं जो इस पूरे एक छोटे से पीतल के टुकड़े को हमारे घरों तक एक फिनिश प्रोडक्ट्स में लेकर आती है? ये स्टेज वन है जहाँ पर माल फैब्रिकेटर से रॉ कंडीशन में आता है। अभी ये अनफिनिश्ड है, आप इस पे देखें, इस पे डस्ट भी है, इस पे ग्रीस भी लगी हुई है, बट ये दिस इज द स्टेज वन जहाँ पर रॉ कंडीशन में माल आया फैब्रिकेटर से। आपने इस माल को अभी हम दूसरी स्टेज में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे दूसरी स्टेज यू विल अंडरस्टैंड कि हम क्या प्रोसेस करते हैं इस पे। अच्छा, एक चीज बताइए जी मैम, लॉकडाउन के चलते 4 महीने पूरी इंडस्ट्री बंद रही है जी मैम, तो आपको जितना रॉ मटेरियल आया हुआ था इसमें बहुत खासा नुकसान देखने को मिला होगा? मैम, बहुत चैलेंजेस थे बिकॉज 80% जो कारखानेदार हैं, जो फैब्रिकेटर्स हैं, वो सब डाउनटाउन एरिया गए हैं। और जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन अपलिफ्ट हुआ स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, वहाँ कंटेनमेंट जोन सबसे ज़्यादा थी उस एरिया में, बिकॉज वो 99% वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है जो ये फैब्रिकेशन काम करती है। और ये जब कंटेनमेंट जोन जब गवर्नमेंट ने उन्होंने बैरिकेड कर दिया कि भैया ये आप ये एरिया कंटेनमेंट है, यू कैन नॉट इधर गो इनसाइड, नाइदर यू कैन कम आउटसाइड, वहाँ से पिक्योर करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और वी आज में हम भेजते थे अपने ड्राइवर्स को सो दैट कि विद ऑल दी प्रिकॉशंस कि भैया जाओ माल वहाँ से प्रिक्योर करके लाओ। उसी तरह हमने ये अपने जो टीम है ना, हमारा जो बहुत चंक टाइम होता है हमारा, हमने वो वेस्ट करे। सबसे ज़्यादा पीक जो पीतल का मैं कहूँगी जो सप्लाई होती है, एक मुझे बताइए कि किस महीने में, किस सीज़न में सबसे ज़्यादा पीतल का जो प्रोडक्ट होता है वो बिकता है, और किन किन दिल्ली के अलावा या इंडिया में किन किन स्टेट्स में और किन किन कंट्रीज में, मैं जानना चाहूँगी पीतल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है? मैम, एक्सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो ब्रास ज़्यादातर यूरोप और मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा होता था। मिडिल ईस्ट में अब चैलेंजेस बढ़ गए क्योंकि ईरान, पहले सबसे ज़्यादा हम बहुत शिप कर रहे थे, ईरान के ऊपर सेंक्शन लग गए US गवर्नमेंट के, तो उसकी वजह से हम शिप नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आई वुड से अगर 2-3 साल पहले हम देखें तो हमारा टोटल टर्नओवर वाज आउट ऑफ टोटल टर्नओवर इट वाज ऑलमोस्ट 30% वी वर शिपिंग टू ईरान, और वो प्योर ब्रास खरीदते हैं, वो डू नॉट लाइक एल्युमिनियम या स्टील या आयरन कुछ नहीं देते, वो प्योर ब्रास लेते हैं। आई गेस दिस इज द रियल ब्रास, ये असली पीतल है जिसके लिए मुरादाबाद हमेशा शायद फेमस है।
कोरोना ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने चमक फीकी कर दी है पीतल की। बिल्कुल, इस तीनों फैक्टर को मिला के अगर हम देखें तो ये पीतल की जो इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट अपने डेथ पाथ पे है। और अगर हम, बिकॉज डिमांड नहीं है मार्केट में, रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, प्लस इस पे जो लेबर है, लेबर इज गेटिंग टू एक्सपेंसिव, उसकी वजह से लोग अपना अलग इसका तोड़ ढूंढ रहे हैं कि पीतल ना लेके कुछ और लिया जाए। पीतल एक्सपेंसिव भी होता है कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट बनने में, सपोज अगर हम ये पीतल का है तो इसको एक प्रोडक्ट बनने में, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में काफी ज्यादा एक्सपेंस लगता है, इस वजह से भी लोग नहीं खरीद पाते। जी मैम, ये जो पीतल किसी जमाने में 150 रुपए या 200 रुपए किलो था, आज की तारीख में वही आपका 800 रुपए किलो हो गया। एक प्रोडक्ट, एक मैं जानना चाहूंगी, एक प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आती है ब्रास के? ब्रास की अगर एक फिनिश प्रोडक्ट की बात करो तो आई विल से अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपीस पर केजी। अच्छा, ये प्लेन होता है और ये आपके कारीगर है जो इसके ऊपर कारीगरी करते हैं? कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? करते रहिए आप जो कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं ये 2-4 महीने से। पहले शुरुआत से ही कि आप ही की जनरेशन ने काम करना? हाँ, शुरू से करा ये काम। कैसे करते हैं आप इसको, एक बार करके दिखाइए ना। जैसे ये गड्ढा है ये पूरी कारीगरी आपने अपने हाथ से करी है? नहीं, ये तो बाहर से आई है। ये पीतल का बाउल है जो पूरा प्रोडक्ट सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पीतल की गलाई से लेकर सब कुछ मुरादाबाद में होता है। इसकी जो अंदर की कारीगरी है ये भी यहीं होती है। ये इस स्टेज में है कि इसको फिनिश करा जाएगा, इसको पॉलिश करा जाएगा ताकि आगे चलकर ये एक्सपोर्ट और पैकिंग में उसके बाद ये आगे सप्लाई हो सके। ये जो ब्रास है हमारा, पीतल है मुरादाबाद का, ये चाइना एक्सपोर्ट होता है? हमारा कितना परसेंट जो सामान है वो चाइना में एक्सपोर्ट होता है? देखिए मैम, मैं साल में शिप करता हूँ चाइना, बट नॉट ऑन अ बिग स्केल। मैं 1 या 2 कंटेनर शिप करता हूँ चाइना को, बिकॉज चाइनीज को भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल गई है। यहाँ लेबर ज़्यादा मेहनती होता है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का काम करता है, यहाँ लेबर ज़्यादा डेडिकेशन से काम करता है। शॉर्ट टर्म फ़ायदे हम नहीं सोचते, इस वजह से शायद हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा बूम कर, मतलब विदेशों में ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है। जी मैम, हमारी लेबर वर्क ओरिएंटेड है, इन द सेंस कि हमारे पास देखिए मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है। चाइनीज़ ज़्यादातर वो मशीन मेड हैं आर्टिकल्स, हमारा 100% हैंडमेड है, हैंड प्रोसेस है। आपने अभी देखा ये कितने प्रोसेस के थ्रू एक आर्टिकल निकल रहा। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, मुरादाबाद में चाहे यूपी के आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, महिलाओं का योगदान हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। मैम, लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट हम अपने बिजनेस में बट नेचर रखते हैं, सो दैट कि ये भी कुछ पैसे अपने परिवार के लिए कमाएँ, अपने बच्चों को पाल सके, प्लस अपनी घर के सपोर्ट में उनका योगदान हो। ये देखिए, सबसे अच्छी बात हम कहेंगे कि हमारे देश की इंडस्ट्री की है कि जो हमारा जो निचला तबका है, जो वर्कर क्लास है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ा शायद सरकारी नीतियों की वजह से भी। और बड़े बड़े उद्योगपति ने 2-3 महीने की कह रहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में सैलरी सबको प्रोवाइड कराएगी। जब ये लॉकडाउन था तो उस बीच में सारा आपका फैक्ट्री वगैरह बंद रही होगी, रेंट, आपके कमर्शियल बिल्स, इन सब के ऊपर क्या इन सब में कोई रियायत मिली थी जो फैक्ट्री मैन हैं, ताकि ये आगे चलकर इनका जो लॉस परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाए? जो बिल्स या जो चीज़ थी लॉकडाउन के दौरान, उसमें कोई हमें हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट से। हमें थोड़ा बहुत अगर कंसेशन मिला तो वो इलेक्ट्रिकल बिल में मिला, अदरवाइज उसके अलावा हमें कोई गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। फैक्ट्री का कितना खर्चा आया होगा? मैम, बंद फैक्ट्री में तकरीबन आप ये मान लीजिए और मैन पावर सैलरीज जी, कोरोना से काफ़ी इम्पैक्ट तो है ही, क्योंकि मार्केट भी पहले वीकली अल्टरनेट डेज खुल रहा था, फिर उसके बाद 5 डेज खुल रहा था, और कस्टमर के मन में डर तो है ही कि वो मार्केट में नहीं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, करीब 50% कारोबार ही है। सरकार के पैकेज से हम बिजनेसमैन को तो कोई मदद नहीं मिल रही है। हमारा तो बहुत बड़ा लॉस है कि जो 2 महीने लॉकडाउन रहा, उसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस थे वो तो हमारे सारे देने ही देने हैं, चाहे हमारा लाइट का बिल हो या हमारा रेंट हो या जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें सब देने पड़े, पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो कोई मदद ऐसे कोई नहीं मिली। बंद फैक्ट्री में मैम, जो प्रोसेस आप देख रहे हो, बिकॉज दे ऑल आर वाटर बेस्ड प्रोसेस, अभी आप इस टैंक को आप इसे स्टिल डाउन शट डाउन कर देंगे तो बट नेचुरली इवेपोरेट करेगा पानी। इट हैज़ द केमिकल, जो केमिकल मैं इसमें प्योर कर जब डाल रहा हूँ वो 3,000 रुपये किलो से 4,000 रुपये किलो का केमिकल है।
जो ये आप केमिकल सारा आप कहाँ से लेकर आते हैं? मैम ये केमिकल डोमेस्टिक मार्केट से मिलता है, हाँ दिल्ली में और यहाँ पे बड़े बड़े इम्पोर्टर्स बैठे हैं मैम ये केमिकल के। और ये आप देखेंगे स्टील के ऊपर, ये हम इसके ऊपर और फिनिश देने के लिए हम निकल कोट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड EPCH, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है ये। आपने जैसे मैंने आपको नीचे प्रोसेस दिखाया था प्लेटिंग का, यहाँ पर भी फाइनल चेकिंग है, पैकिंग है, लेबलिंग है और जो जो नॉर्म्स हैं बायर्स के वो फॉलो करके हम इसको फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। आपने बताया कि ज़्यादातर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एक मैं देख रही हूँ बाउल्स हैं आपके, ये शैम्पेन क्या बोला था, शैम्पेन बकेट स्टैंड, इन सब की ऑब्वियसली फॉरेन में मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं इन सब का असर जो पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। आपके कई सारे जो आपके जनवरी फरवरी में जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे आपके, उसको आपने किस तरह से रियलाइज करा? मैम जो 3 महीने या 4 महीने हमारा हमारी कंट्री का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन रहा, उससे काफ़ी नुकसान हुआ इससे, बिकॉज हमने 3 शोज हम एब्रॉड करके आए थे जो कि जनवरी फरवरी में हमारे शोज होते हैं फ्रैंकफर्ट में, एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल विद दो शोज। हमने ये प्लान करा था कि दिस ईयर विल बी वेरी गुड ईयर फॉर अस, बट उसके तुरंत बाद ही हम जब इंडिया आए, हमने होमवर्क करना शुरू करा, 3 महीने और 3.5 महीने हम लॉकडाउन में चले गए। सो जो जितनी इंक्वायरीज, जितने हमारे पास ऑर्डर्स थे हाथ में, वो सब होल्ड पे चले गए या कैंसिल हो गए। समस्या ही समस्या है सर, घर से कोई निकल नहीं रहा और सभी को परेशानी है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा बिक्री हो रही है, किसी के पास कम है, सभी के पास एक सा स्तर है। कहीं मुझे ही नहीं है परेशानी, सभी को है। और मैं तो ये चाहूँगा सबका काम चले और सबकी परेशानी हल करे गवर्नमेंट, पर समय ज़्यादा लग रहा है, समय से पहले करे। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि बना बनाया सामान फैक्ट्रियों के अंदर 3-3, 4-4 महीने तक रहा है। अब अगर लगा लीजिए कि अगर जून में जो अनलॉक 1 शुरू हुआ था उसमें फैक्ट्रीज अगर खुली होंगी, तो दैट मींस आपको जनवरी फरवरी में जो प्रोडक्शन वाला सामान होगा वो आपको पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी डिमांड पहले मार्केट में, उसके बाद आप नया प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट जब मुरादाबाद की इंडस्ट्री जो है वो फैशन से रिलेटेड है। आपका जैसे फैशन, जैसे गर्मियों में आप यू विल डेफिनेटली आपको गर्मियों के कपड़े चाहिए हैं, तो वैसे ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, वो फैशन से रिलेटेड है। अगर आज क्रिसमस है तो क्रिसमस के आर्टिकल शिप होते हैं, हेलोवीन है तो हेलोवीन के आर्टिकल शिप होंगे, स्प्रिंग समर है तो स्प्रिंग समर के आर्टिकल शिप होंगे। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एल्युमिनियम और ये ब्रास का पीतल का काम है जो मुरादाबाद की इंडस्ट्री, वो भी कपड़ों की तरह फैशन के हिसाब से चलती है। वो 3 महीने में ये टेस्ट बदलता है मार्केट का या बायर का टेस्ट बदलता है? मैम हर 2 महीने में ये टेस्ट चेंज होता है। ये अभी हम जो हम शिप कर रहे हैं एट प्रेजेंट, आप जो भी मेरे यहाँ पर देख रहे हो ये सब क्रिसमस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। क्रिसमस बिकॉज बीइंग 2 दिन का होता है और वो दिसंबर में होता है, तो इनका जो भी माल, जो भी फैक्ट्रीज मुरादाबाद में है, ये मंथ है या मिड ऑफ द सितंबर है, ये आप ये शिप करोगे, इसके बाद क्रिसमस का कोई आपसे माल नहीं लेगा। आपके पास जो मार्केट, जो बास इंटरनेशनल मार्केट है, उसको आपको कवर करने तक का टाइम आपके सितंबर तक का है? सितंबर तक है, उसके बाद आपको ये क्रिसमस का सीजन ख़त्म होता है और अब आप जो है आप इसके लिए स्प्रिंग समर के लिए आप नेक्स्ट ईयर 2021 स्प्रिंग समर्स की आप तैयारी शुरू करें। होपफुली अगर वो सही कोरोना से वी होप दैट वी शुड बी ओके, और पूरा वर्ल्ड जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वर्ल्ड में ये सब स्लोली ग्रेजुअली कम होंगी। अब ये लगा लीजिए महामारी एक ऐसी जो पूरी दुनिया के लिए थी, इट वॉज नॉट ओनली फॉर अस, बट स्टिल हम कोशिश करी है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, जो हमारे 1 District 1 Products हैं, उन्होंने सर्वाइव करने की इस महामारी के दौर में भी। अनलॉक 1 के बाद भी काफ़ी सारी दिक्कतें फैक्ट्री खुलने पर और उनके संचालन में आपको फेस करनी पड़ी होगी? जी मैम, अनलॉक 1 के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगाई मूवमेंट पे कि सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, उसके बावजूद भी हमने लेबर को अपने बिहाफ पे पासेस दिए, जो हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, या मैं कहूँगा जो हमारे हेल्प मिला हमें लोकल गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे DM या SSP हैं, इन्होंने हमें बहुत हेल्प करा हमारी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए, कि उन्होंने हमारे लेटर हेड के पासेस को लेबर को अलाउ करा सो दैट दे कैन माइग्रेट और दे कैन कम टू दी फैक्ट्री फॉर दी वर्क। एल्स अगर बाकी आप एरियाज में, बाकी स्टेट्स में देखें तो शायद ये शायद हुआ भी नहीं, और वहाँ पर आज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वहाँ सैटरडे संडे या वीकेंड या रात के समय लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट नहीं है।
मतलब फैक्ट्री खुलने के बाद भी जो फैक्ट्री संचालक है उनको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिल पा रही है कि अपने वर्कर्स को बुलाकर उनसे काम करवा सके, ताकि जो भी दो तीन महीने में नुकसान हुआ है उनको वो कोप अप कर पाए। ये पेपर किस चीज़ का है जिससे ये हो रही है? मैम ये एक स्पेशल पेपर है, ये बहुत सॉफ्ट पेपर है, टिश्यूज जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उससे स्क्रैचेस पड़ते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे, तो हम एक और बेस्ट क्वालिटी का पेपर है ये, और ये शायद आप होपफुली इम्पोर्ट ही होता होगा इंडिया में, बिकॉज पेपर भी ज़्यादातर इंडिया में इम्पोर्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट है कि जो अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चर अगर किसी प्रोडक्ट पर रह जाएगा तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर। ये स्टैंड है जो पूरी तरह एक्सपोर्ट होने के लिए पैक हो चुका है। हाँ, पूरा सेट मैम पैक हो रहा है ये, और ये आप देख रहे हो कितने कितने प्रोसेसेस के थ्रू ये निकले हैं प्रोडक्ट। ये रेडी हो गया आपका केक स्टैंड, आप जैसे देख सकते हो ये शिप होगा अभी, इसके ऊपर एक और बॉक्स आएगा सो दैट कि कलर बॉक्स गंदा ना हो, ये ख़राब ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक अभी एक बॉक्स और आएगा। और ये आपका सीधा जो सेप्टेम्बर तक आपने बताया कि क्रिसमस की मार्केट है मैम, ये नेक्स्ट वीक स्पेशल ऑर्डर है और ये नेक्स्ट वीक तक इंडिया से शिप होना है। ये आपने देखे पूरा का पूरा एक जो मुरादाबाद के पीतल का, मैं कहूँगी एल्युमिनियम का, इन सब का काम यहाँ होता है। पहले से पीतल मुरादाबाद का बहुत फेमस था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला है, नई नई चीज़ें ट्रेंड में आई है, वैसे वैसे इस पीतल की चमक थोड़ी सी कम हो गई है। हम मानेंगे काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे मुरादाबाद में जो डायरेक्टली इस उद्योग से जुड़ी हुई है। हज़ारों लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से रोज़गार जिनको मिलता है, पर GST नोटबंदी और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी ने, और उसके उस महामारी से लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक महामारी पूरे विश्व और हमारे देश में आई, उसके चलते जो इंडस्ट्रीज है आज भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो इस मार्केट में सर्वाइव कर पा रही है। सरकार की पॉलिसीज़ आई हैं, काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसी है जिनको धरातल में आने में भी वक्त लगेगा, जब तक वो धरातल में ना आ पाए तब तक ये लोग जैसे तैसे इस इंडस्ट्रीज़ को, इन फैक्ट्रीज़ को चला रहे हैं, ताकि वो चमक, वो खनक पूरे देश में, पूरे विश्व में पीतल की और मुरादाबाद की गूंजती रहे। हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है या हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो शुरुआत से ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और MSME सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स के बारे में सोच रही है। क्या पॉलिसीज़ इन उद्योगों के काम आई हैं, या पॉलिसीज़ का कुछ भी आपको फ़र्क देखने को मिला है, चाहे वो मुरादाबाद की पीतल हो गई, संभल का हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले? मेरा अपना मानना है जी कि मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखा। एक छोटा सा बेनिफिट सिर्फ GM इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस से मिल रहा है जो OP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर आता है। हम लोगों की थोड़ी सी लिमिट बढ़ी है एप्लीकेशंस जो हम लोग उनको डालते हैं, उसमें शायद उन्होंने थोड़ी थोड़ी लिमिटें बढ़ाई हैं, मगर जो सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट करी थी उससे हमारे ट्रेड को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर जो नई स्कीम आई उसमें इंटरेस्ट रेट पूरा लगा है, वो हम लोगों ने नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोगों उन लोगों ने लिया नहीं लिया, मगर उसमें 8 से 8.5% ब्याज लगा है। ये सरकार का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो हमारी नज़र में पूरी तरह फेल आया है। तो ये थे मुरादाबाद में यानी पीतल की नगरी में, यहाँ हम आए, हमने यहाँ कोरोना के बाद के साइड इफ़ेक्ट यहाँ के पीतल कारोबारियों से जानने की कोशिश करी, पर कोरोना के अलावा भी हमको कई सारे ऐसे कारण मिले जिसके चलते आज मुरादाबाद के पीतल की खनक और चमक दोनों ही कम हो गई है, या यूँ कहें दोनों ही फीकी हो गई है। GST, नोटबंदी और फिर कोरोना, ये तीनों बहुत बड़े स्टेप्स थे, ये तीनों बहुत बड़े कारण थे जिसके चलते आज मुरादाबाद का पीतल उद्योग ठप पड़ा हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये उद्योगपति अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस उद्योग को बढ़ाया जाए, सरकारी जो नीतियाँ हैं, सरकारी जो सरकार की तरफ से इनके लिए जो मदद आई है वो कहीं ना कहीं धरातल में लाई जाए, जिसके चलते इनका उद्योग फले फूले, क्योंकि मुरादाबाद में पीतल उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आधा मुरादाबाद जुड़ा है, या कहे आधे मुरादाबाद को रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है ये सरकार के लिए भी और उद्योगपतियों के लिए भी कि किस तरह इस उद्योग को ये उठाएं और आगे तमाम समय तक ये उद्योग ऐसे ही चलता रहे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र TV मुरादाबाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।